me Sanjay Shirsat, who has just given a notice to the Maharashtra Assembly Speaker seeking breach of privilege motion against Shiv Sena Uddhav Thackeray Group MP Sanjay Raut. Shirsat ji, hume bataiye, aaj aapne ye jo notice di hai breach of privilege ke liye, kyun di hai? वजह एक है कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसको एक जुडिशियरी पावर होते हैं, वो पावर के बाहर किसी के ऊपर उनके ऊपर कमेंट्स करना ये उचित नहीं है। अपन जैसे न्यायालय में हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वैसे इनके ऊपर भी कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, ये लॉ कहता है। इसलिए मैंने कहा कि बार बार आम पब्लिक में जो है इसका गलत मैसेज जा रहा है। लोग विधानसभा अध्यक्ष क्या चीज है ये जो कॉमन लोगों को मालूम नहीं, वो बोलते नहीं नहीं किसी के ऊपर भी कुछ भी बोला तो चल जाएगा। किन स्टेटमेंट्स पे आपको आक्षेप है? उन्होंने कहा है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष है ये अलग अलग पार्टियों से घूम के आए, अलग अलग पार्टी में काम किया है और उनकी उनकी जो नीति ये हमें पता है, उनका बिहेवियर हमको पता है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द निकाल नहीं दिया तो हमें उनको घूमने नहीं देंगे, या तो उनको हम हमारे तरीके से शिवसेना स्टाइल से हम उनको दिखाएंगे। ये जो धमकी वाली बात है ये विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है, वो उनको जुडिशरी पावर है और इसलिए मैंने आज नोटिस दिया है कि उनको कहा है कि अगर ये ऐसी भाषा अगर बाहर करता होगा इसका मैसेज गलत जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हक होना चाहिए और अध्यक्ष ने वो आज मेरा एप्लीकेशन लिया है। पिछले साल भर में यह दूसरी बार है कि संजय राउत के खिलाफ ऐसी मांग की जा रही है, पहली तो हक भंग की कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है। यही ना, यही तो होता है, ये ऐसे जो बेफजूल की बात करने वाले जो लोग होते हैं उनको कोई ना कहीं धड़ा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो एक दो प्रकरण किया है, लास्ट टाइम विधानसभा के सब सदस्यों को उसने चोर मंडल बताया था, तो हो सकता है कुछ दिन के इंतजार है, जेल में ये आदमी जरूर जाएगा। Thank you. So this was Sanjay Shirsat saying that it was time for Sanjay Raut to go to prison. With video journalist Rajesh Sapre, Vinaya Deshpande from Mumbai.